तो गाइज ये है साल का लास्ट डे, आज है 31 दिसंबर। क्या कर रही हो यहाँ पे? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। सो गाइज आज का व्लॉग कबूतर के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सो गाइज अभी सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ यहाँ छत पे। मैंने सोचा चलो अपने कपड़े भी धो लूँगा, साथ साथ मैं अपना जो व्लॉग है वो भी स्टार्ट कर दूँगी। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? तो गाइज अभी जो है थोड़ा थोड़ा सा फॉग जमा हुआ है, आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और आज मुझे जो है जल्दी से फटाफट से सारे काम ख़त्म करके मुझे जाना है अपनी जेठानी जी के घर, क्योंकि आज है उनके घर कुरान खानी, तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ और बस कोशिश करूँगी जल्दी से पहुँच जाऊँ वहाँ। ये जो चल रहा है और यहाँ ये कुत्ते जंग लड़ते हुए देख रहे हैं आप लोग। ये कुत्ता जो है एक दूसरे कॉलोनी का आ गया है, तो यहाँ पे इसको ये टिकने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर भोंके जा रहे हैं, भोंके जा रहे हैं। यहाँ पे ये लोग सभी लोग बैठ करके बड़े बुजुर्ग हाथ सेक रहे हैं, जिसमें एक लेडी भी है। भाई ठंड इतनी ज़्यादा है कि सब लोग बस आग जला करके बैठे हुए हैं, हाथ सेकने में लगे हुए हैं और ये यहाँ लोटे खा रही है। तो चलिए गाइस बातें ज़्यादा ना करते हुए काम पे फोकस करते हैं, फिर जल्दी से निकलना भी है यहाँ से यार, जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। चलो थोड़ी देर में मिलूँगी आप लोगों से। तो गाइस ये है साल का लास्ट डे, आज है 31 दिसंबर। और मतलब इस साल में हमने क्या कुछ पाया है, कितने लोगों को खोया है, तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं, उतार चढ़ाव आए हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये साल जो 2023 था वो भी बहुत अच्छे से निकल गया और अब 2024 आने वाला है। तो 23 में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह से अब 2024 आ जाएगा। तो जी नाश्ता हमारा हो गया है और मैं अपने नए घर से भी लौट कर आ गई हूँ, तो बस अभी हुरन को रेडी करती हूँ, मैं रेडी होती हूँ। नहाने का मन तो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, लेकिन फिर भी नहाऊंगी मैं ज़रूर। जी ये घर देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं। तो बस खाना पीना हो गया है, सबका फ्री हो गए हैं, कुरान खानी हो चुकी है, सब लोग चले गए हैं और बस अभी हम लोग घर के ही लोग रह गए हैं बाकी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और थोड़ी देर पहले ही मैं हुरैन को यहाँ साइड लेकर के आई, तो बहुत ज़्यादा अच्छे कर रही है। तो गाइस प्रोग्राम हो गया कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ घर अपने, और भैया और बाजी मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बस रुकने का प्लान था लेकिन हो गया कैंसिल, तो चलिए अब चलते हैं घर। और हुरैन के लिए घर पे है कुछ सरप्राइज़, चलिए क्या है सरप्राइज़ वो घर जाकर ही पता चलेगा। देखो गाइस नए साल पे हमारे घर आए हैं दो मेहमान। हैं खरगोश, पहले हमने पाले थे, हमने सारे जानवर पाले हैं, क्या मम्मी ज़्यादातर पाले हैं ना, हमने खरगोश और सफ़ेद चूहे, तोता, सब ज़्यादातर पाले हैं। पाले ना तो कुछ इधर है ना, मोर का बच्चा भी हो, उसका ही रंग का बच्चा है। हाँ आ गया था है ना, उसको उसको जो अभी हुरैन को दौड़ जाने दो, कोई तो देखेगी। तो हमने जो है ना सारे जानवर पाले हैं, पक्षी भी पाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है कम कर दिया है, क्योंकि गंदगी वगैरह करते हैं। पहले तो क्या कच्चे आंगन वगैरह होते थे गांव में, गांव घर में भी कच्चा छोड़ दिया था। गांव में तो बड़े बड़े जानवर भी पाले हैं, गाय भैंस,
है ना। नहीं गाय भैंस तो अभी भी है, गाय भैंस और हिरन का बच्चा, मोर का बच्चा, ऐसे ऐसे मतलब गांव में आप लोगों को पता है मतलब जो उड़ उड़ के आ जाते हैं या फिर कोई ऐसा परेशान करता है तो पक्षी कोई भी आ जाता है तो उसको अच्छे से केयर करते हैं, उसकी रखते हैं, उसको जब वो सही हो जाते हैं तो फिर वो उड़ा देते हैं या फिर वो खुद ब खुद चले जाते हैं। तो ऐसा अभी पिछली बार तो जो है खाला बता रही थी कि बिल्ली ने बहुत सारे बच्चे पैदा किए, जितने सुंदर सुंदर बच्चे थे ना, बहुत अच्छे से रहे कुछ टाइम तक, वो फिर अपने आप से चले गए, वो वहाँ से गायब ही हो गए। तो ऐसा मुझे तो उसको ठंड लग रही है, मुझे लगता है इस वाले को ये तकाप रहा है ना, ये नर और मादा है ना, ये इनको परेशान करेगी, बस वो ऐसे ही जाती है सबके पास स्लो स्लो। ये जूते चप्पलों के पास ही बैठे हैं जब से आए तब से। तो ये हमने जो है नहीं लिए हैं, ये हमारे पड़ोसी के यहाँ पले हुए थे तो बस वो दे के गए हैं। मैंने बोला था उनसे कि ना हॉरन खेलेगी इनके साथ थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इनको मंगा लिया। हम लोग जो है जेठानी जी के घर से आ गए हैं और वैसे आज हमारा जो है वहाँ पर रुकने का प्लान था क्योंकि हम लोग न्यू ईयर जो है वहीं पे ही सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन ना यही हुआ कि वहाँ पे जो है हुरैन नहीं रुक रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे, तो फिर आखिर में जो है हमें यहाँ पे आना ही पड़ा। अभी कुछ टाइम से थोड़ी सी बीमार थी ना, तो इसलिए वो ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही है। देखते हैं 1 तारीख को हम लोग कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, न्यू ईयर 2024 कहाँ जाते हैं बताओ। प्लानिंग तो ऐसी की है कि कहीं जाएंगे घूमने के लिए, चाहे बाहर जाएं सिटी से बाहर मतलब मुरैना से बाहर, या फिर तो हम मुरैना में ही कहीं ना कहीं सेलिब्रेट तो करेंगे ही करेंगे। सेलिब्रेशन ही क्या, मतलब ऐसा कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं है, मतलब वही है कि पिकनिक मनाने के लिए ज़रूर जाएंगे फैमिली के साथ, क्योंकि अभी जो है नाजिया भी आ गई हैं तो उनके साथ भी खूब सारी मस्ती करेंगे। हुरैन को वहाँ से मतलब आज दिन में सोई नहीं थी वो, तो अभी जस्ट मैंने जैसे ही लेकर के आई हूँ ना वैसे उसको सुला दिया है, वो सो भी गई है। उसको उसका खुद का कंबल होना चाहिए तब जाके वो सोती है, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी उसको सुलाने की लेकिन वो नहीं सो रही थी क्योंकि कंबल चेंज था। तो जैसे ही यहाँ पर लेके आए ना वैसे ही उसका कंबल उड़ाया, वैसे ही वो तुरंत सो भी गई। कल के लिए सोचते हैं कुछ कि क्या करते हैं, कल सबसे बातें करेंगे, सबको फ़ोन लगाएंगे, न्यू ईयर विश करेंगे। हाँ हालांकि अभी कुछ कमेंट्स ये आएंगे कि ये वाली न्यू ईयर हमारी नहीं होती है, हम मुस्लिम्स की न्यू ईयर जो है मुहर्रम से स्टार्ट होती है। जी हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन इंग्लिश जो डेट होती है उस हिसाब से तो है डाली हुई है। ये देखो बैलून, हमने जो 6 मंथ बर्थडे बनाया था हारून का अभी तक लगे हुए हैं, कुछ ये सिर्फ 2 लगे हुए, बाकी सारा जो भी था ना वो सब हमने बच्चों को दे दिया। अभी सिर्फ ये बच्चे हैं तो ये भी दे देंगे, बच्चे खेल लेंगे आराम से, वरना लगे लगे ही वो जो है फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो गाइस मम्मी ने ना बैली के लिए ये जुगाड़ की है, ये इसको खेलने के लिए, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से खेलती है वो इससे, क्योंकि हम लोग ना मार्केट गए हुए थे और इसका खाना लेने के लिए मतलब बैली का, हम बैली के लिए एक टॉय भी लेंगे जिससे वो खेलेगी, लेकिन जो है वहाँ पे हमने टॉय देखा तो वो बहुत ज़्यादा महंगा था, मतलब 300 रुपये का था। उसमें सिर्फ एक पंख लगा हुआ था और एक छोटी सी बॉल लगी हुई थी बजने वाली, तो वो सिर्फ जो है 300 रुपये का बता रहे थे भैया। तो फिर मैंने बोला इतना महंगा क्यों है, मतलब 20-30 रुपये का जो टॉय है वो हम 300 रुपये में क्यों लें। तो फिर मैं घर पे आई तो मम्मी मैं ना बैली के लिए एक टॉय देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा महंगा था। मम्मी ने कहा अच्छा कैसा था, मैंने कहा ऐसा ऐसा था, तो मम्मी ने कहा चल मैं जुगाड़ बनाती हूँ, तो मम्मी ने फिर ये बनाया। अब वो बैली इससे इतना ज़्यादा खेलती है ना, बहुत मस्ती करती है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मम्मी लेकर के आई यहाँ पर सैंड बैली के लिए, क्योंकि बैली ने अपनी पूरी सैंड जो है गीली कर ली थी। तो अब ये दूसरी चेंज होके आई है, हमने पूरा एक कट्टा भर रखा है तो उसमें से हम ले लेते हैं। हाँ सुसु पॉटी बैली हमारी इसी सैंड में ही करती है, इसलिए ये गुड गर्ल है। क्यों बैली गुड गर्ल है ना, है ना। तो गैस रात का समय हो चुका है, ये खा रहे हैं खाना और उसके बाद ये अपने घर चले जाएंगे।
तो गाइस लाइट का थोड़ा सा इशू है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि लाइट नहीं है और एक ही सिर्फ बल्ब जल रहा है। तो उसमें मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। रात भी हो चुकी है, सोने की तैयारी कर रही थी मैं कि चलो सो जाते हैं, अब रात बहुत हो चुकी है। अब कुछ ही देर में जो है न्यू ईयर 2024 लग जाएगा, और आज 31st था। आप लोगों का कैसा गुजरा 31st साल का लास्ट डे, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि मेरा तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मेरा किस तरह से गुजरा। आज मैंने बहुत सारे लोगों से मिली हूँ और बहुत सारी बातें भी की हैं, बहुत अच्छा लगा आज मेरे को मेरी फैमिली के साथ मिल करके। और आज जो है कुरान खानी भी हुई है ना, साल का लास्ट डे था, अल्लाह का जिक्र हुआ घर में। सो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और बस फिर उसके बाद जो है हम आ गए घर पे। अब कल देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या कुछ प्लान करते हैं। वैसे प्लानिंग चल ही रही है, तो जाएंगे जो है ससुराल वाली फैमिली, मेरे मायके वाली फैमिली, तो सब लोग साथ में मिलकर ही जाएंगे। देखते हैं पिकनिक पे जाते हैं या फिर तो कहीं बाहर जाते हैं, मतलब ग्वालियर वगैरह घूमने के लिए। तो ऐसा सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, तो ऐसा कुछ अभी पता नहीं है। ठीक है, जो 2024 है वो हमारे लिए बहुत ही खुशियों भरा होना चाहिए, और जो हम करना चाहते हैं अल्लाह ताला उसमें कामयाब करे। आप लोग भी आमीन ज़रूर बोलिएगा, सब आमीन ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलूंगी डायरेक्ट 2024 में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस। इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, नए साल के साथ। अल्लाह हाफिज़। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे बाबा की हम।